बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बाजार शास्त्र में। मैं हूं प्रियंका उप्पल आनंद। पिछले एपिसोड में हमने बात की कि टेक्निकल एनालिसिस का जो बेस है वो डाओ थ्योरी से है, और डाओ थ्योरी में साफ तौर पर ये बात कही गई है कि स्मार्ट मनी पहले से एंटिसिपेट करने लग जाता है कि कब उसे एक्यूमुलेट करना है और कब उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। स्मार्ट मनी, स्मार्ट इन्वेस्टर या ये स्मार्ट लोग क्या वाकई हर बार सिर्फ सही होते हैं? क्या ये भी गलतियां कर सकते हैं? इस एस्पेक्ट से भी आज इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे शो के एक्सपर्ट सुनील मिंगलानी बने हुए। सुनील, बहुत बहुत स्वागत है आपका। व्यूवर को हम बहुत बार ये इतना अवेयर कर चुके हैं, इतना हम उन्हें मैच्योर कर चुके हैं इस बारे में कि उन्हें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि इस मार्केट में जो सबसे पहले खबरें सटीक तौर से आती हैं वो स्मार्ट इन्वेस्टर के पास, स्मार्ट मनी के पास आती हैं। लेकिन क्या हिस्टोरिकली ऐसा प्रूवन है? स्मार्ट इन्वेस्टर चाहे कोई भी हो, एक हेज फंड हो या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या FIZU, ये स्मार्ट इन्वेस्टर क्या हिस्टोरिकली ऐसा प्रूवन है कि ये कभी गलतियां नहीं करते या इनसे भी गलतियां होती हैं? देखिए, ऐसा कभी भी नहीं कहा जा सकता कि उनसे गलतियां नहीं होती। हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे और आप देखेंगे तो हमारी फाइनेंशियल मार्केट की हिस्ट्री में जितनी सबसे बड़ी मिस्टेक्स हैं, जो ब्लंडर्स हैं एक्चुअली, वो सबसे समझदार लोगों ने किए हैं। ओके, लाइक बिग स्कैम्स यू आर टॉकिंग अबाउट? बिग स्कैम्स, क्योंकि एक अनाड़ी आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता। बड़ी गलती करने के लिए भी बड़ा दिमाग चाहिए, राइट? बड़ा पैसा भी होना चाहिए, बड़ा पैसा भी होना चाहिए। जितनी भी बड़ी से बड़ी मिस्टेक्स, गलतियां हुई हैं हिस्ट्री के अंदर, या जितने क्राइसिस की हम बात करते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई बहुत ही बड़े स्मार्ट लोग, जिनको हम कहते हैं, वो जुड़े हुए थे पीछे। ठीक है, चाहे आप आज से 100 साल पहले चले जाइए, चाहे आज से 5 साल पहले चले जाइए, बीसियों एग्जाम्पल मौजूद हैं ऐसे कि जिसमें हमें ये देखने में मिलेगा कि एक छोटा सा कॉमन सेंस वाला आदमी भी उस चीज को समझ पा रहा था, लेकिन वो स्मार्ट जिसको हम बोलते हैं, वो आदमी सेंस नहीं कर पाया उस चीज को। क्यों? चलिए, इन एग्जाम्पल्स को तो हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, लेकिन पहला सवाल अभी व्यूवर के माइंड में जरूर आ रहा होगा कि अभी तक हम उसे इनकरेज कर रहे हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टर को फॉलो करें, चाहे स्मार्ट मनी को देखे कहाँ पर फ्लो कर रहा है वो, लेकिन अब हम यहाँ पर ये भी उसे बता रहे हैं कि स्मार्ट लोग, स्मार्ट इन्वेस्टर भी गलतियाँ करते हैं। क्यों कर देते हैं वो गलतियाँ? क्या अनजाने में हो जाती हैं उनसे गलतियाँ? हाँ, गलती कोई जानबूझ के तो देखिए नहीं करता है, गलती होती है हमेशा अनजाने में। एक तो ओवर कॉन्फिडेंस में होती है गलती, और देखिए हम जब शुरू से ये बात बोलते आ रहे हैं कि आपको स्मार्ट आदमी को फॉलो करना है, तो हम ये बोल रहे हैं कि स्मार्ट आदमी कोई आपको दिखेगा नहीं कभी भी, आपको भाव को फॉलो करना है, वो भाव जिस तरफ को चल रहा है। अब अगर उस स्मार्ट आदमी को भी कभी लॉस लगा होगा हिस्ट्री में, तो भाव नीचे आया होगा तभी लॉस लगा होगा, लेकिन अगर आप भाव को फॉलो कर रहे हैं तो आप फिर भी विनर होंगे। इसलिए उसने स्मार्टनेस नहीं दिखाई, वो फॉलो नहीं कर पाया। एक्चुअली होता क्या है, देखिए प्रियंका जी, स्मार्टेस्ट जो लोग हैं इस मार्केट के अंदर जो काम करते हैं, एक नहीं है, हजारों लोग हैं जिनको समझ है, एक्चुअली बेसिक्स की समझ है, जो मार्केट के सिस्टम को समझते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसे समझदार लोगों की जो कैटेगरी में लोग आते हैं, वो जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर यूज करना शुरू कर देते हैं। ओके, जितनी भी हिस्ट्री के अंदर क्राइसिस हुए हैं, जितनी भी हिस्ट्री के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है किसी आदमी को, वो उसके कॉम्प्लेक्स बिहेवियर के कारण आई है। उसको ये एहसास हो गया था कि हाँ, मैं बहुत ज्यादा समझदार हूं और अब मैं इसको मैनेज कर सकता हूं, लेकिन वो मैनेज मार्केट नहीं समझती। मार्केट कोई फॉर्मूले नहीं समझती है, मार्केट की अपनी एक चाल है, उसकी एक अपनी समझ है, उसकी एक अपनी सोच है, और वो बिल्कुल सीधी है। हिस्ट्री के अंदर आप जाएंगे, आपको बीसियों एग्जांपल ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर आप देखेंगे कि छोटी सी समझ का आदमी भी वो गलती नहीं करता जो उस आदमी ने गलती की जिसको लोग समझदार समझते। चलिए, अब क्योंकि हम इस एपिसोड में कोशिश व्यूवर्स को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जांपल्स की बात करेंगे जिन एग्जांपल्स को समझकर ये क्लियर होता है कि कई बार छोटी सी समझ लगाने वाला आदमी वो पॉइंट आउट कर लेता है, भाप लेता है खतरे को, लेकिन क्योंकि बड़ा सिस्टम होता है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर हो जाता है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए वो चीज़ें समझ नहीं आती। लेट्स स्टार्ट विद फ्यू एग्जांपल्स। सुनील, देखिए, एक बेरिंग बैंक के नाम से एक बैंक था जापान में। ओके, उसका एक एग्जीक्यूटिव था अपना लीसन करके, निक लीसन, ठीक है। उन्होंने क्या है, काफी पोजीशनें उठा रखी थी, हम पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे, उन्होंने काफी पोजीशनें उठाई हुई थी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। उसी समय कोबे का अर्थक्वेक आया, 1995 की बात, यानी अगर हम बहुत पहले की 10-15 साल पहले की बात करें, लगभग 95 की हम यहाँ बात कर रहे हैं, कि बेरिंग बैंक अपने बिहाफ पर जो ट्रेडिंग करवाता था, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते थे, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के डिसीजन होते थे, वो उनके एक एग्जीक्यूटिव निक लीसन करते थे। बिल्कुल, निक लीसन करते थे, ठीक है।
और वो इतने इंटेलिजेंट आदमी थे कि बैंक ने अपना सब कुछ उन्हीं को सौंप रखा था। बैंक के बिहाफ के ऊपर वो ट्रेडिंग करते थे, बैंक के बिहाफ के ऊपर वो सौदे डालते थे, सब कुछ करते थे और कोई इंटरफेरेंस नहीं होती थी उनके डिसीजन के अंदर। उस समय कोबे का अर्थक्वेक आया था जापान में निकाई के अंदर, तो वहाँ निकाई की जो स्टॉक एक्सचेंज थी वो काफ़ी फॉल की थी 1995 के अंदर। तो अब वो एक्चुअली ट्रैप हो गया आदमी, राइट, उसने काफ़ी पोजीशन बनाई हुई थी, वो ट्रैप हो गए। वो ट्रैप होने के बाद उन्होंने क्या, उन्होंने मार्केट के उस रूल को इग्नोर कर दिया कि अगर आप फंस गए हैं, अगर आपको लग रहा है तो कम से कम आप पोजीशन बढ़ाइए मत। आप और उनकी पोजीशन कोई स्टॉक्स में नहीं थी, ऑप्शंस के अंदर थी, ऑप्शंस के कॉल पुट्स के अंदर पोजीशन थी। उन्होंने उसको खत्म करने की बजाय उन पोजीशन को और लॉस बियर करने के बजाय उन पोजीशनों को और बढ़ा और दिया। यानी टू गिव मोर क्लैरिटी, सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि एक रेंज में निकाई घूम रहा था और उस वक्त उनके पास ऑलरेडी मार्केट डाउन थी, उन्होंने लॉन्ग पोजीशंस बना के रखी हुई थी, लेकिन उनकी लॉन्ग वो ऑलरेडी लॉस में चल रहे थे और जब निकाई में जब ये जो अर्थक्वेक आया जापान में उसके बाद मार्केट लगभग 15% गिर गई और उसके बावजूद भी वो खतरे को भापा नहीं उन्होंने और वो फिर भी लॉन्ग पोजीशन बनाए रखे और पोजीशन बढ़ा दी उन्होंने जी। उनको लगा मार्केट रिकवर करेगी तो मैं शायद अपने पिछले वाले लॉसेस को भी कवर कर लूंगा और शायद प्रॉफिट में भी आ जाऊं। ये तो बहुत बड़ी गलती है सुनील, क्योंकि अगर आप देखें कि बाजार सेंटिमेंट्स पे चलता है, चाहे वो इंडियन मार्केट्स हो, जापानीज मार्केट हो, यूरोपियन मार्केट हो, अगर सेंटिमेंट इतना बड़ा नेगेटिव हावी है कि मार्केट में ऑलरेडी कुछ फंडामेंटली कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं और अर्थक्वेक आने के बाद भी सेंटिमेंट्स नेगेटिव ही दिख रहे हैं और मार्केट के इतनी बड़ी पोजीशन बनाने के लिए और वो भी ऑप्शंस बनाने के लिए उनको कुछ तो एंटिसिपेट किया होगा कि मार्केट में कुछ रीजंस दिख रहे हैं लॉन्ग होने के। देखिए प्रियंका जी, रीजन वीजन कुछ नहीं दिखते मार्केट के अंदर। जब आदमी फंसा होता है ना वो भगवान से दुआ मांग रहा होता है किसी तरह से मुझे यहाँ से निकाल दो। रीजन कुछ नहीं, कोई रीजन नहीं है। रीजन क्या है, उसको ये था वो फंसे हुए थे, बैंक का पैसा था, लोगों का पैसा था, उनको लगा कि हाँ मैं अपनी इस पोजीशन को अगर एग्रेसिवली बढ़ा लेता हूँ तो मैं यहाँ से बाहर आ सकता हूँ। लेकिन हुआ क्या, वही जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर या स्टॉक मार्केट की जो रूल बुक है उसमें सबसे पहला रूल ये है आपको लॉस बुक करके बाहर निकलना है स्टॉप लॉस पे, वो नहीं माना उन्होंने। वहां पर उनकी वो गलती हुई, वो पोजीशनें और रिवर्स हो गई और बैंक की जो टोटल वर्थ थी, टोटल जो वर्थ थी बैंक की वो 610-15 मिलियन डॉलर थी और उसके अगेंस्ट में उन्होंने 6.5 बिलियन डॉलर की पोजीशन खड़ी कर दैट वाज ह्यूज ह्यूज इन अमाउंट। बैंक की टोटल वर्थ के 10 गुने से भी ज्यादा पोजीशन थी उनके पास, मिलियंस में कैप, और वो सारा का सारा एक दिन में कोलैप्स हो गया, राइट, यानी पूरा बैंक खत्म हो गया एकदम। बैरिंग बैंक बिल्कुल खत्म हो गया, बहुत पुराना बैंक था, 230 साल से ज्यादा का बैंक था और बहुत पुराना बैंक था। यानी उनकी सबसे बड़ी गलती क्या थी कि अगर वो अपनी लॉस पोजीशंस को बुक नहीं कर पा रहे थे, वो स्टॉप लॉस कटने के बावजूद भी मेंटेन रख रहे थे पोजीशन को, उनको लगा कि मैं बढ़ा लूंगा तो शायद मैं निकल पाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको लॉस के अंदर कभी भी एवरेज नहीं करना है, राइट, ये स्टॉक मार्केट का रूल है एक, राइट, लेकिन अगर आप लॉसिंग पोजीशन में एवरेज करते जाते हैं और वो भी ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शंस जो ऑलरेडी बहुत रिस्की होती है, तो इस तरह के बहुत केसेस मौजूद है। एक LTCM के नाम से एक अपना हेज फंड था 1994-5 के आसपास, उस फंड के अंदर जो उस फंड के फाउंडर थे, राइट, वो और जो उस फंड के डायरेक्टर थे वो, उनके बारे में अगर आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कितने बड़े नाम थे वो, राइट, बड़े नाम तो थे। अगर हम यहाँ नाम भी बताएं, मार्टिन स्कोल्स, रॉबर्ट सी मर्टन और जॉन मेरीवेदर, सभी नोबेल प्राइज विनर्स थे इकोनॉमिक्स में, राइट, नोबेल प्राइज विनर थे इकोनॉमिक्स के अंदर 1998 के अंदर, नोबेल प्राइज विनर थे वो। और जो ऑप्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है आज तक जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है वो भी इन्होंने ही बनाया था। यानी ऑप्शन कैलकुलेट करने का मतलब अगर कोई स्ट्राइक प्राइस होता है, अगर SBI का अगर हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं कि स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू कितनी होती है, वो फॉर्मूला इन्होंने डिराइव किया, वो फॉर्मूला जिस पे ऑप्शन कैलकुलेट की जाती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो फॉर्मूला बनाने वाले ये लोग थे। आप सोचिए इतने बड़े जो इंटेलिजेंट लोग, नोबेल प्राइज विनर है इकोनॉमिक्स के अंदर, उन्होंने एक फंड बनाया अपना, उस फंड के ऊपर हर आम आदमी ने विश्वास कर लिया कि ये आदमी तो कभी धोखा खा ही नहीं सकते, राइट, समझदार आदमी है, पूरी इकोनॉमिक्स की समझ है, पूरी मैथमेटिक्स की समझ है, सारे फॉर्मूले लिखने आते हैं, सब कुछ पता है, हर चीज की समझ है, दूर से आते हुए खतरे को जल्दी भांप सकते हैं ये लोग। उन पे लोगों ने पैसा लगाया जी। उस फंड का बहुत नाम हुआ उस समय, लेकिन साल दो साल ठीक चलने के बाद उस फंड ने 4 महीने के अंदर लॉस देके और वो फंड बंद हो गया जी। यानी 2000 में तो उस वो फंड, ये जो फंड मैनेजमेंट कंपनी थी यही बंद हो गई थी, इतना लॉसेस। LTCM का केस मेरा ख्याल में स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा केस था जो लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ, राइट। क्या गलती रही होगी सुनील, क्या ये गलती हुई कि वो सबसे पहले तो खतरे को, रिस्क को मेजर ही नहीं कर पाए
और अगर मेजर कर पाए तो उसे मैनेज नहीं कर पाए और उसके बाद और मैनेज होने के बाद कंट्रोल भी नहीं कर पाए। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में प्रॉब्लम थी उनकी एक्चुअली, पहली बात। दूसरी बात, उनको लगा फॉर्मूलों से मार्केट चल जाएगी, मार्केट फॉर्मूलों से नहीं चलती है। आप एक्सेल शीट बना के अपने फॉर्मूले बना लेंगे, देखिए पहले ऐसा हुआ, बाद में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ था, ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे। मार्केट जब चलती है ना प्रियंका जी, वो सारे फॉर्मूले फोल्ड करके आपके हाथ में देते हैं और उस समय आप कुछ नहीं कर पाते। हमने एक दो एपिसोड पहले भी बात किया है बहुत सारा म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी। अब जब पैसा लगाते हैं ये सोच के सामने वाला आदमी मुझसे ज़्यादा समझदार है, तो कम से कम आपको अपने पैसे पे नज़र भी रखनी है कि कहीं वो ऐसी गलतियां तो नहीं कर रहा कि जिससे पैसा डूब सकता है। हिस्ट्री में 500 नहीं 5000 एग्जाम्पल मौजूद हैं, आपको पता चलेगा बड़े से बड़ा फंड, बड़े से बड़े समझदार आदमी छोटे मोटे खत्म नहीं हुए, पूरे खत्म हुए जब हुए, क्योंकि उन्होंने उनकी जो गलतियां थी वो कई फोल्ड्स थी। यानी यहाँ जो कोशिश हमारी यही रहेगी व्यूवर्स को ये बड़े बड़े एग्जाम्पल से, ताकि क्योंकि वो कनेक्ट ज्यादा करेंगे, इसको इंप्लीमेंट शायद स्ट्रॉन्गली करने लग जाएंगे कि जो सिस्टम, जो अनुशासन आप अपने लिए बनाते हैं अगर उसे फॉलो नहीं करेंगे तो किस तरह के खतरे आप हो, एक स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर हो या फिर एक बड़ा हेज फंड मैनेजर हो, वो भी खतरे भाप सकता है। तो यहाँ इनका सबसे बड़ा फेलियर था कि इनके पास रिस्क मैनेजमेंट स्कीम्स नहीं थी, वो भी नहीं था। और दूसरा, इनको ये लग रहा था कि हमारी जो नॉलेज है, देखिए जब भी आदमी को ये थोड़ी गलत फहमी हो जाती है ना कि हाँ उसको सब कुछ पता है, तो वो ना कुछ खतरों को इग्नोर कर देता है, वो समझता है मैं इनको हैंडल कर लूँगा। लेकिन मार्केट जब चलती है आपको उसको कभी इग्नोर नहीं करना। यहाँ पर हमारा मैसेज सिर्फ एक है कि मार्केट सबसे ऊपर है, कोई आदमी मार्केट से ऊपर नहीं हो सकता, हर आदमी से ऊपर मार्केट है। और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, जितना सीधेपन में अगर जो फंड काम करेगा, जितने सीधेपन में आप काम करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और इन समझदार आदमियों की लिस्ट दिखाने का मतलब ये है कि आप अपने आप को कभी ज़्यादा समझदार मत समझना, क्योंकि जिस दिन आपने अपने आप को समझदार समझना शुरू किया उसी दिन सबसे पहले आपका नंबर लगेगा। राइट, यानी हम यहाँ ये कोशिश कर रहे हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टर के बारे में बातें तो हमने बहुत सारी करी हैं आपको, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर भी जब अगर इन अनुशासन को, इन सिस्टम्स को फॉलो नहीं करते तो वो भी स्मार्ट नहीं रहते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, सुनील से इसी टॉपिक पर, इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा जारी रहेगी। कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स तलाशने की कोशिश करिए, फिर से हिस्ट्री में, इतिहास में जाएंगे और उन पन्नों को, उन एग्जाम्पल्स की बात करेंगे जहां पर ऐसी गलतियां दोहराई गई जो सोच से भी परे थी। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस हाजिर होते हैं। बाजार शास्त्र @znetwork.com हमारा ईमेल एड्रेस है, अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई सुझाव, कोई सवाल, कोई भी क्वेरी अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं, जल्द वापस हाजिर होते हैं। फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं बाजार शास्त्र और मेरे साथ सुनील मिंगलानी बने हुए हैं। सुनील, चर्चा बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर हमने एक ब्रेक ली, एग्जांपल्स बहुत सारे आप बात कर रहे हैं। क्या बड़े बड़े नाम अगर हम इतिहास के पन्नों को फिर से खोल के देखें तो 1994 में ऑरेंज काउंटी, वो भी एक नाम यहाँ जरूर आता है। ऑरेंज काउंटी स्कैंडल्स है, अमरनाथ स्कैंडल है, बहुत सारे हैं। आप देखिए हम नामों में जाएंगे ना तो यहाँ पर 20 एपिसोड निकल जाएंगे अगर हम नामों में जाएंगे। जी मेन बात क्या है कि हमको ये समझना है कि ये जितने लोग थे उन्होंने बेसिक गलती क्या, राइट एग्जांपल देने की कोशिश कर रहे हैं हमने। उन्होंने बेसिक गलती ये की कि एक तो मार्केट के जो बहुत ही सिंपल रूल है, स्टॉप लॉस को मैनेज करना, क्वांटिटी को मैनेज करना, आपको कभी ओवर लीवरेज नहीं होना है। ये जो लीसन के केस में हुआ लीवरेज का प्रॉब्लम था, दूसरा अमरनाथ वाले केस में हुआ लीवरेज का प्रॉब्लम था, ऑरेंज काउंटी वाले केस में हुआ लीवरेज का प्रॉब्लम था। लीवरेज, आपके पास 100 रुपए हैं, आपने 500 रुपए का माल ले लिया, लेकिन जब आपको लॉस होगा तो 500 रुपए पे होगा, 100 रुपए पे नहीं होगा। राइट तो इस तरह के छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी डिसिप्लिन की हम बात करते हैं। यानी जो आम लोग ट्रेडिंग करने के लिए, इंट्राडे करने के लिए, चाहे पोजिशन लेने के लिए लोन उधार उठाकर, अपनी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा उठाकर जब काम करने रहता है वो नुकसान झेलते हैं, उसी तरह से ऑरेंज काउंटी ने भी झेला। बिल्कुल, उनके पास जो इन्वेस्टमेंट पूल था वो शायद लगभग $7.5 बिलियन का था, लेकिन उन्होंने एक एडिशनल बोरोइंग ले ली थी, लिवरेज अपनी बढ़ाई थी, लगभग $12 बिलियन की कर ली थी। राइट तो यही बात है, लीवरेज बढ़ाने में, देखिए लीवरेज लेना एक ठीक रणनीति है अगर आप उसको मैनेज कर सकते, एक लिमिट तक। लीवरेज क्या होता है कि आपने, आपके पास एक कैपिटल है, आपने उसके कुछ एडिशनल पैसा उसे उठा लिया, लेकिन आप देखिए गाड़ी आप जब चलाते हैं,
वैसे लिमिट रहता है आपको 40 की स्पीड पे चलाना है, 60 की स्पीड पे चलाना है, लेकिन अभी सभी 60 पे तो नहीं चलाते, 80 पे भी हम चलाते हैं, लेकिन अगर हम 180 पे चलाना शुरू कर देंगे तो जिस समय ऐसी इमरजेंसी आएगी हमें रुकनी पड़ेगी, हमारी गाड़ी रुकेगी नहीं। आपकी 60 की लिमिट है, आप 80 पे चलाइए ठीक है, 90 पे चलाइए ठीक है, लेकिन आप 180 पे मत चलाइए। आपके पास 500 रुपए हैं, आपके पास 5 लाख रुपए है, आप 1 लाख का माल फालतू लेते हैं, 2 लाख का माल फालतू लेते हैं, उसको आप मैनेज कर सकते हैं, वहां पर आपको कभी बहुत बड़ी चोट नहीं लगेगी। लेकिन आपके पास 5 लाख है, आपने 20 लाख रुपए का माल, 50 लाख का माल ले लिया, उसे लीवरेज देने वाला दे देगा, स्टॉक एक्सचेंज भी दे देगा, वो कहेगा फ्यूचर में ले लीजिए आप, लेकिन उसके देने का मतलब नहीं है लॉस आपको होने वाला। बिल्कुल, जो नुकसान होगा वो आपको आपके बोरोड अमाउंट पर भी होने लग जाएगा, और आपकी कैपेसिटी से जब ज्यादा ऑलरेडी था अमाउंट, तो यानी लॉस भी आपकी झेलने की शक्ति से ज्यादा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो जितने हिस्ट्री के अंदर समझदार लोग जिनको हम बोलते हैं, उन समझदार लोगों ने भी वही गलतियां की हैं। राइट राइट, इसीलिए ये रूल्स बने हैं कि आपको डिसिप्लिन मानना है। और जैसे कि आपने कहा, मार्केट परवाह नहीं करती आप कौन हो, मार्केट को कोई मतलब नहीं है आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आपकी पोस्ट क्या है। अगर आपने डिसिप्लिन नहीं माना तो वो आपको वैसे ही पनिश करेगी जैसे किसी स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर को पनिश करती है, वैसे आपको करेगी। तो यानी बिल्कुल बड़े बड़े एग्जांपल्स आप यहाँ पर ले रहे हैं। इनफैक्ट एक बहुत बड़ा हिस्ट्री में जो अब तक बड़ा सबसे फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है, शायद जिसको अभी भी तरोताजा होगा कईयों के दिमाग में, यूएस में तो जाहिर तौर पर वो दिमाग में तरोताजा जरूर होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस, आई एम टॉकिंग अबाउट यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2008 में हुआ। हाँ, वो तो उसमें भी गलतियां थी बहुत सी, उसमें तो गलतियों का पिटारा था एक्चुअली गलतियां नहीं थी उसके अंदर, तो एक आदमी गलत नहीं था उसमें, सारे गलत थे जी। उसमें वो नाम हैं, आप नाम जानने की कोशिश करेंगे, लीमन ब्रदर्स, पियर्स्टन्स, फैनी मे, फ्रेडी मैक, बहुत सारे नाम, इतने सारे नाम, बड़े बड़े ह्यूज नाम जी। जिनको कि फाइनेंशियल मार्केट का भगवान माना जाता था, उन लोगों ने वो गलतियां की जो कि एक इस मार्केट में छोटा इन्वेस्टर भी नहीं करता। राइट, क्योंकि देखिए सुनील, बहुत बड़ी बात है ये, आप बड़े बड़े नाम ले रहे हैं, सारे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, लीमन ब्रदर्स, जेपी मॉर्गन, मेरिल लिंच, सब बड़े बड़े नाम है। या फिर अगर हम दूसरे हेज फंड्स की बात करने जाए, गोल्डमैन सैक्स, या फिर अगर हम बात करने लग जाए रेटिंग एजेंसीज की, इन पर विश्वास करती है आम जनता, उन्हें लगता है कि अगर हमारे कोई भी फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हो, या फिर क्योंकि हम व्यूवर को ये भी डिटेल में समझाएंगे कि यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ क्या, लेकिन सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी तकलीफ है सुनील, क्योंकि आम जनता इस चीज़ को माइंड में रखती है कि जब वो पैसा किसी इन्वेस्टमेंट बैंकर या कोई इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज में, इंश्योरेंस पॉलिसी हो या फिर कोई भी हेज फंड स्कीम्स हो, किसी भी स्कीम में जब पैसा लगाती है तो वो इंटेलिजेंट माइंड के बिहाफ पर लगाती है, लेकिन वो लोग भी सेंस नहीं कर पाते हैं कि क्या होने वाला है, आगे क्या खतरा आने वाला है। नहीं, वो लोग सेंस कर जाते हैं लेकिन बहुत ही लेट स्टेजेस में सेंस कर पाते हैं। अब देखिए, हमने पहले बहुत बार बात की है इस बारे में कि रिटेल इन्वेस्टर या कोई भी इन्वेस्टर पैसा लगाए कहीं पे भी, किसी के बिहाफ पे लगाए, कुछ भी जो हो उसको दे वो पैसा, कम से कम वो ये देखे कि सामने वाला आदमी इस पैसे को बहुत ज़्यादा लीवरेज पे काम तो नहीं कर रहा कहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, बहुत ही कॉमन सेंस, हम यूएस क्राइसिस के बारे में पूरी बात करेंगे आगे, आपको पता चलेगा कि इतना कॉमन सेंस वाला कोई आदमी जो हो वो भी समझ जाता कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है, और इतने बड़े बड़े फंड, इतने बड़े बड़े नाम जो हमने अभी लिए हैं वो समझ नहीं पाए। जो वहाँ की मॉर्गेज कंपनियाँ थी, फैनी मे, फ्रेडी मैक, खत्म होने के कगार पे आ गई थी वो। राइट, और सिर्फ एक ही नहीं, सभी लीमन ब्रदर्स के लिए भी प्रॉब्लम आई, AIG इंश्योरेंस जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, उसके लिए प्रॉब्लम आई, सभी के सभी कोलैप्स हो गए, या फिर ब्रिंक ऑफ कोलैप्स, या फिर बाद में मर्जर्स हो गए। हम बाद में मर्जर्स हो गए, वो इसीलिए कि वो एक्चुअली वो समझ ही नहीं पाए, वो एक्चुअली ये नहीं देख पाए कि ये जो वो खड़ा कर रहे हैं पहाड़, वो एक्चुअली लीवरेज का पहाड़ है। Right. वो किसी भी दिन एक ईंट निकलते ही वो सारा पहाड़ नीचे आ जाएगा। एक्चुअली प्रियंका जी, होता क्या है, देखिए जब भी आदमी को पैसा आ रहा होता है ना, ग्रीड, उसको ना उसकी वो ग्रीड बढ़ती जाती है, और ग्रीड हर आदमी में है, चाहे हम हो, चाहे वो बड़े आदमी हो, समझदार हो, सब में है ना ग्रीड। Right. वो ग्रीड ही थी उस समय। यूएस क्राइसिस जो है वो हमारी हिस्ट्री के अंदर फाइनेंशियल मार्केट का आई थिंक सबसे बड़ा क्राइसिस है। Right. और उसके अंदर जो मिस्टेक हुई वो आई थिंक सबसे छोटी मिस्टेक है। इतनी छोटी मिस्टेक से इतना बड़ा क्राइसिस हो गया। Right. इतना बड़ा क्राइसिस था कि यूएस के अगर नेशनल डेट की हम बात करें 10 गुना हो गया। और इनफैक्ट एक बहुत बड़ी कहावत है, बहुत बड़ी बात ये कही गई कि ये जो क्राइसिस था ये कोई एक्सीडेंट से नहीं था, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, इसलिए बड़ा। हाँ, क्योंकि उसमें हर एक को पैसा आता दिख रहा था, हर एक को लग रहा था जब तक चल रहा है तब तक चलने दो। प्रॉब्लम सबको आइडिया था
कि ये गलत हो रहा है कुछ, लेकिन उनको था ठीक है ना, हमारे को क्या लेना। वो बोलते मैं तो पूरे सिस्टम का छोटा सा हिस्सा हूँ, खाली मेरे करने से थोड़े ना हो जाएगा। ऐसे हर आदमी गलतियां करे जा रहा था और वो इतना बड़ा हो गया कि एक दिन सब कुछ कोलैप्स हो गया। यानी यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 जिसकी हम बात करें, इस क्राइसिस के बाद लीमन ब्रदर्स बैंक्रप्ट हो गया, मेरिल लिंच को एक्वायर करना पड़ गया बैंक ऑफ अमेरिका को, फेनी में और फ्रेडी मैक इसको भी एक्वायर, दोनों कॉन्ग्लोमरेट को एक्वायर करना पड़ा फेड रिजर्व को। इतने बड़े क्राइसिस हुए, क्या थे ये क्राइसिस, किस तरह से हुआ, क्या वो बेसिक गलतियां थी, कौन सी चीजों को इग्नोर किया गया था, इन सभी पर चर्चा होगी डिटेल से, साफ शब्दों में, सिंप्लीफाइड शब्दों में अपने व्यूअर्स को समझाने की यहां कोशिश करेंगे कि कैसे ये एक पूरा जाल बनता गया और ये जाल इतना बड़ा हो गया कि पूरा का पूरा यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ही इसे संभाल नहीं पाया। लेकिन ये सब चर्चा होगी हमारे अगले एपिसोड में जो एक कंटिन्यूएशन सीरीज भी है। शुक्रिया सुनील शो में इतना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए। लेकिन जाने से पहले कोई एक मैसेज, जो हमने इतने सारे एग्जांपल्स दिए, चाहे हमने अमरनाथ एडवाइजर्स की बात की हो, चाहे हमने LCTM की बात की हो, इनसे क्या टू द पॉइंट मैसेज आप व्यूवर्स को देना चाहेंगे? टू द पॉइंट मैसेज मैंने एक दो बार पहले भी रिपीट किया इसी एपिसोड में, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर जो है उसको मार्केट बिल्कुल पसंद नहीं करती। आपको अगर बाजार में पैसा कमाना है आप सीधे हो जाइए। हमने अपने काफी एपिसोड पहले एक बात बोली थी, आपको अगर पता हो, आपको पतंग उड़ानी हो अगर, क्या चाहिए आपको, हवा, जिस तरफ चल रही हो उस तरफ उड़ाइए। उसके अंदर ज्यादा अपनी इंटेलिजेंस ही मत दिखाइए। आपको ज्यादा इंटेलिजेंट होने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सीधे सीधे मार्केट को फॉलो करना है जी। और मार्केट से बड़ा कोई नहीं है, ये बात आपको मान लेनी चाहिए। चलिए बिल्कुल, यानी स्मार्ट इन्वेस्टर्स से भी ऊपर है ये मार्केट, बाजार उससे भी ऊपर है, और जब उस लिमिट को क्रॉस करने की स्मार्ट इन्वेस्टर भी कोशिश करता है तो वो भी धोखा खाता है, वो भी लॉसेस बियर करता है। इसी के साथ शो को फिलहाल यही समेटेंगे, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात और यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस को समझाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।